गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, आप सभी का आरजे एजुहब की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज अपने एक नया टॉपिक लेते हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी होते हैं, आप सभी को पता होगा। जैसे आपको पता होगा कि मानव रोग का एक जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। जो मानव रोग होते हैं, मानव में होने वाले जितने भी रोग होते हैं, ये सभी रोग इम्पोर्टेंट होते हैं। आज की क्लास में हम बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं कि वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं। देखो, वायरस जनित रोग, मैं आपको इस क्लास के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि वायरस जनित रोग होते कौन से हैं और वायरस की एक बेसिक सी जानकारी होती है वो भी जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती है, यानी वायरस की जो नॉर्मल जानकारी होती है आप सभी को पता होना चाहिए। अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे वायरस जनित रोग तो याद कर लेते हैं, लेकिन जो वायरस से संबंधित नॉर्मल जानकारी होती है उसको अपन यहाँ से छोड़ देते हैं। तो देखो, आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले वायरस के बेसिक से लेते हैं कि वायरस होता क्या है। देखो, वायरस सबसे पहले तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि वायरस है क्या। वायरस का मतलब होता है जहर। वायरस का मतलब क्या होता है? जहर, यानी वो जहरीला पदार्थ। रस का मतलब एक द्रव के तौर पे लेते हैं अपन, तो जो जहर होता है वो भी एक तरल पदार्थ की तरह कार्य करता है, यानी कि जो वायरस है उसका मतलब होता है जहर। अभी आता है कि वायरस होता क्या है, तो देखो मैं एक डेफिनेशन बोलूंगा इसकी, आप सभी को पता होना चाहिए कि वायरस एक अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा, परजीवी, अकोशिकीय जीव है। देखो, इस जीव की जगह मैं यहाँ पे निर्जीव भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव दोनों की भांति कार्य करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सजीव की तरह तो कार्य कब करता है और निर्जीव की तरह कब कार्य करता है। सजीव की तरह वो कब कार्य करता है आपको ये पता होना चाहिए। सजीव की तरह वो कार्य तब करता है जब वो किसी परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। परपोषी का मतलब है, जैसे आपने एड्स का नाम सुना होगा, तो एड्स के वायरस जब अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद वो अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको वो तब जा करके सजीव की भांति कार्य करता है। निर्जीव की बात करके चले तो वो जैसे खुले वातावरण के अंदर, वातावरण में उपस्थित होता है, तो एकदम निर्जीव की तरह कार्य करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस होता है सजीव और निर्जीव दोनों की भांति कार्य करता है। जब वो किसी परपोषी यानी किसी जीव के अंदर प्रवेश कर जाता है तो जीव की भांति कार्य करने लगता है, और अगर वो खुले वातावरण के अंदर उपस्थित रहता है तो वो निर्जीव की तरह कार्य करता है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो, बेसिक से आगे जानकारी आपको पता ये भी होना चाहिए कि जो वायरस होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायरोलॉजी, इनके अध्ययन को कहा जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो वायरस का अध्ययन करते हैं उसको वायरोलॉजी कहा जाता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल सी होती है, आप सभी को पता भी होता है, एकदम देख लीजिए, ये सब चीज़ें आपको पता होता है, और पता होने की मतलब ये है कि आराम से आप कर भी लेते हो ये। और आगे की जो चीज़ें होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ये थी इसमें कि सबसे पहले वायरस की खोज किसने की थी। देखो, वायरस की खोज से संबंधित अपन तथ्य देखें तो सबसे पहले आए थे इवानोविस्की। इन्होंने 1892 की बात है, इन्होंने बताया था कि वायरस की सबसे पहले, अगर वायरस पे किसी ने चर्चा की थी इवानोविस्की, इसलिए इसको वायरस के जो कहा जाता है कि जो वायरस का अध्ययन दाता कौन है, वायरस के अध्ययन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति इवानोविस्की था। यानी कि वायरोलॉजी के जो जनक है, यानी वायरोलॉजी का मतलब समझ जाना कि जो वायरस का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी के जनक ही कौन है? इवानोविस्की है। एक वैज्ञानिक और आए थे, आपको पता होना चाहिए, बेंजिन रिक 1898 के अंदर ये आए थे। इन्होंने TMV पर कार्य किया था। TMV का मतलब है टोमेको मोजिक वायरस, यानी कि देखो मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि ये क्या करता है कि तंबाकू के अंदर रोग फैलाने वाला वायरस होता है। किसमें? तंबाकू के अंदर फैलाने वाला रोग होता है। ये क्या किया इन्होंने कि सबसे पहले इस
जो तंबाकू केंद्रीय रोग फैलाता है इसको सबसे पहले छानना, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे तंबाकू होता है उसको सबसे पहले एकदम महीन पीसकर से उसे जो गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है उसको किसी पदार्थ से छानना, यानी फिल्टर पदार्थ से छानना जिससे आर पार ओनली द्रव जा पाता है। और उस तरल पदार्थ को इन्होंने क्या किया कि दूसरे वाले जो तंबाकू होता है उसके पौधे पर डाला, तो वो जो दूसरा तंबाकू का पौधा था वो भी संक्रमित हो गया। तो इन्होंने बताया था कि ये एक फिल्टर पदार्थ होता है उससे भी बाहर निकल के जा सकते हैं, या ज़्यादा डीपली भी मत जाओ क्योंकि इतना ठीक होता है कि किसने क्या किया था। ये देखो वायरस की खोज किसने, अब यहां से ये बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा वायरस आया था, वायरस भारत में सबसे पहले खोजा गया वायरस, सबसे पहले खोजा गया वायरस, खोजा गया वायरस, देखो नाम थोड़ा सा अजीब है, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस। ये कंप्यूटर वायरस क्या करता था कि कंप्यूटर के जितने भी डाटा होते हैं उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी को हैक करने का काम करता है, मतलब उनको डिलीट कर देना, हैक कर देना, ये कौन कार्य करता है, कंप्यूटर वायरस कार्य करता है। और ये कंप्यूटर वायरस भारत में खोजा गया सबसे पहला वायरस था, ये आपको बेसिक से जानकारी आपको पता होना चाहिए, जो आपको सबको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जाता है। अब मुझे ये बताओ, जैसे किसी भी जीव का, मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा का ऐसा कौन सा पदार्थ मेरे अंदर आया जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिस पदार्थ का संचय होता है उसको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए आनुवंशिक पदार्थ, तो इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या है वायरस के अंदर, देखो ये वायरस की एक बेसिक सी जानकारी होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अपन जुड़े रहो आप सभी, और शायद अब साइंस की जो रेगुलर क्लासें हैं, आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह में भी इशू हो सकता है, बाकी आगे से आपकी जो क्लासें हैं एकदम प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर मैटर के साथ आपको मिलेगी। मैं कह रहा हूँ जो मैटर मैं आपको दे रहा हूँ उससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई चाहे कोई से भी एग्जाम आप लोग दे लेना। अब देखो आगे पढ़ते हैं कि जो वायरस होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, तो देखो एक तो होता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, और एक होता है प्रोटीन। क्या है देखो ये प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन पाई जाती है। न्यूक्लिक अम्लों में आप ये भी कह सकते हो आरएनए और डीएनए, ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए दोनों के दोनों न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है जो आनुवंशिक पदार्थों का आगे स्थानांतरण करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो ये है आरएनए और डीएनए। अब देखो मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि वायरस की संरचना कैसी होती है, वायरस की संरचना कैसी होती है, वायरस की संरचना, संरचना का मतलब है स्ट्रक्चर, इसकी कैसी होती है स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले इसकी जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसमें आपका ये न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं, यानी ये कौन उपस्थित है, न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड उपस्थित है। देखो कभी क्लास में मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोफाइड क्या होता है, ये सब चीज़ें। इसके बाहर एक छोटी छोटी पेटिकाएँ, पेटिकाओं का मतलब है कि पेटिकाएँ पाई जाती हैं इनको, ये देखो मैं बोल लिखता हूँ, इसके ऊपर पेटिकाओं का आवरण पाया जाता है, पेटिकाओं के रूप में इस तरीके से एक छोटी छोटी पेटिकाएँ मिल करके इसको घेरे रहती हैं साइड में, इसको कहते हैं कैप्सिड, क्या कहते हैं इसको, कैप्सिड कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी मैंने आपको यहाँ पे एक पुटिकाएँ दिखाई हैं इनको कैप्सोमियर्स कहा जाता है, छोटी छोटी पुटिकाओं से मिलकर के ये कैप्सिड बना होता है। आपको पता होना चाहिए कैप्सिड के ऊपर की ओर एक आवरण पाया जाता है, एक बाहर की ओर आवरण, इसके ऊपर एक आवरण और पाया जाता है जो इसकी सुरक्षा करने का भी कार्य करते हैं, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह ये सारी के सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। आगे पढ़ते हैं इसमें अपन, ये देखिए मैंने एक वायरस की स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखी है। सबसे पहले इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, देखो न्यूक्लियोटाइड है कौन, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आरएनए हो सकता है,
डीएनए हो सकता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। अब ये किस में होता है, अभी मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है। ये आपको सबसे पता होने से पहले एक बार ये आप इसकी जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि इसके अंदर जो प्रोटीन आवरण होता है, ये इसको लिख देना कि ये प्रोटीन आवरण होता है, प्रोटीन आवरण होता है और छोटी छोटी पेटिकाओं के रूप में मिलकर के बना होता है। कैप्सोमेरे इन छोटी छोटी पेटिकाओं को कहते हैं। बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ ये क्या करता है, लेकिन एक बार ये नॉर्मल सी आप इसकी संरचना देख लेना, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड है, कहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और आनुवंशिक पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है, यानी कि जो पितृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो इनके गुण आते हैं। देखो गुण गुण की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये गुण आपको पता है कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनन के दौरान ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनती है, और इसके अंदर कौन सा जो जनन की विधि है वो कौन सी है, तो याद रखना इसमें जनन गुणन द्वारा होता है। गुणन का मतलब होता है अपनी संख्याएं बढ़ाते रहते हैं, गुणन द्वारा होता है। गुणन का मतलब है कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, इस तरीके से इनकी जो कोशिकाएं हैं वो बनती रहती हैं। और मैंने एक से दो लिखा है सबसे पहले कि ये अकोशिकीय होता है। देखो कोशिका यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, मैंने बोला है अकोशिकीय होता है। जब वायरस की डेफिनेशन लिखाई थी तब भी मैंने आपको बताया होगा कि अकोशिकीय होता है ये, इसकी कोई कोशिका निर्धारित नहीं की जाती है। और देखो ये बाहर का जो आवरण है ये बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों का बना होता है। ये एक बेसिक से जानकारी हो गई। देखो मुंह पर लिख देता हूं इसको, ये जो बाहर का होता है इसको कहते हैं लिपिड प्लस प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से इसके अंदर जिसका अनुवांशिक पदार्थ की तरह भी कार्य करते हैं, वायरस की जो संरचना है वो आप एकदम बेसिक से देख लो। देखो मैं सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है और डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, याद रखना डीएनए हमेशा दोहरी लड़ी के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, दोहरी लड़ी के रूप में पाया जाता है, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। जो डीएनए दो लड़ियों के रूप में पाया जाता हो उसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और जो डीएनए ओनली मात्र एक लाइन में पाया जाता हो, एक रेखा में पाया जाता है, उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहते हैं। ये डीएनए की और आरएनए की बेसिक से जानकारी, यानी कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वायरस किस तरीके से कार्य करता है, वायरस में होता कौन है। वायरस के अंदर जो ये आपको मैंने अभी प्रोटीन लिखा है, कैप्सिड लिखा है और अंदर न्यूक्लियोटाइड्स लिखा है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल्स पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं कि किसी जीव को संक्रमित करते समय दूसरे जीव के अंदर प्रवेश करते हैं। अब देखो मैं आपको इसके टाइप्स और बता देता हूँ कि जो वायरस होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम जब अपने को पढ़ाते हैं तो पता है यहाँ पे एक शब्द यूज करते हैं कि जो वायरस होता है उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। देखो साथियों सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे शब्द यूज किया जाता है वो ये करते हैं कि इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है, लेकिन ये बात कहीं भी मेरे को ठीक नहीं लगती कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। हाँ, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि जो पादप वायरस होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, पादप वायरस का मतलब है कि पादप में जो रोग फैलाने वाले, तो देखो इसके जो प्रकार है उसको प्रकार को हम तीन भागों में बांटते हैं। देखो सबसे पहले है कि पादप रोग करने वाले वायरस, और एक है जीवों के अंदर रोग करने वाले वायरस, रोग उत्पन्न करने वाले, और एक है जीवाणु भोजी। देखो मैंने लिख दिया पादप रोग, पादप का मतलब है कि जो पादप के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं उन वायरस को क्या कहते हैं, जीवों के अंदर जो रोग उत्पन्न करते हैं उन वायरस को क्या कहते हैं, जीवों का मतलब है कि जंतु वायरस के अंदर जो जंतु होते हैं उनमें जो रोग उत्पन्न करते हैं उन वायरस को क्या कहते हैं, और जीवाणु भोजी क्या होता है। देखो सबसे पहले पादप के अंदर रोग फैलाने वाला जो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है वो है टीएमवी, यानी टोमेकोमोजिक वायरस, यानी कि टोमेको जो मोजिक वायरस होता है वो तंबाकू के अंदर इसकी जो कोशिकाएं होती है उनमें गांठें उत्पन्न करने का कार्य करता है। और भी लिखाऊंगा मैं भी आपको, जो आलू होता है उसमें पोटेटो मोजिक वायरस भी होता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रोग पड़ेंगे अपन जो पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो इसका आनुवांशिक पदार्थ है,
आनुवंशिक पदार्थ वो यहाँ पे अपने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब ये मत पूछना सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब है कि ओनली एक ही लड़ी पाई जाती है आरएनए की, तो इसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन है? आरएनए। आपको यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है ना वो ये पूछता है बच्चों कि आज पादप के अंदर रोग फैलाने वाला वायरस होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, आरएनए। जंतुओं की बात करके चले तो जंतुओं के अंदर ये रोग उत्पन्न करने वाले, जैसे जंतुओं में तो बहुत सारे रोग पड़ेंगे अपन, टाइफाइड वो सॉरी रेबीज पड़ेंगे, खसरा पड़ेंगे, इसके अलावा एड्स पड़ेंगे, बहुत सारे से इन्फ्लुएंजा पड़ेंगे, तो बहुत सारे ऐसे रोग पड़ेंगे जिनकी वजह से अपने को यहाँ आगे तो पढ़ना ही है। इसके अंदर आनुवंशिक जो पदार्थ होता है वो आरएनए या डीएनए, आरएनए या डीएनए। अब ये सर अगर इसमें से कोई आंसर आ जाए हमारे पास कि आरएनए करे या डीएनए करे, तो याद रखना मोर जो है वो डीएनए की प्रायोरिटी होती है कि डीएनए इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए, दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज्यादा कौन सा उपस्थित होता है? डीएनए उपस्थित होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लो, इन्फ्लुएंजा ये रोग उत्पन्न किसमें करता है? जीव में करता है। एक जीवाणु भोजी क्या होता है? देखो इसका एक उपयोग ही है, मैं तो ये मानता हूँ जो वायरस होता है उसका एक उपयोग है जीवाणु भोजी। ये क्या करता है कि जो अपने अंदर रोग फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको मारने का कार्य करता है, यानी जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो पता होना चाहिए इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए होता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। देखो तीनों के तीनों टाइप्स आपको पता होना चाहिए बेसिक से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैंने ये इसलिए लिखा है कि लोग क्या करते हैं कि ये सीधा का सीधा से छपवाते हैं कि जिसका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। तो साथियों देखो आरएनए पादप रोग उत्पन्न करने वाले में ठीक है, जीव के अंदर या जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले के अंदर डीएनए की ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, इधर भी डीएनए की रहती है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये दोनों के दोनों आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, कैसे क्या क्या होता है। अब देखो इसके उपयोग और हानियाँ और देख लेते हैं मेरे साथियों, उपयोग और हानियाँ, यानी कि इसके उपयोग तो क्या है और इसकी हानियाँ क्या हैं। हानियाँ तो आप सभी को पता होगा कि ये क्या करता है, अपने अंदर भी रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो एक बार देखो, एक तरफ मैं लाभ लिख देता हूँ, एक तरफ इसकी हानियाँ लिख देता हूँ, लाभ और हानियाँ। आप चाहे तो नोट करते रहना, क्योंकि आप लोगों को अगर कोई शक हो, कोई दोराय हो, तो आप लोग ये मैटर चेक कर सकते हो कि यहाँ से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। देखो लाभ की बात करके चले तो सबसे पहले नंबर का जो लाभ लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि जैव विकास के अध्ययन में, जैव अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैव अध्ययन में भी प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं उनका मैक्सिमम का प्रयोग किस में किया जाता है, जैव प्रोसेस होते हैं उनके अंदर इनका उपयोग किया जाता है, यानी जैव जो प्रक्रम होते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब है कि उत्तरोत्तर होने वाले विकास, जीव के होने वाले विकास में भी, जैव विकास ही लिख लो आप ताकि कन्फ्यूज ना हो, जैव विकास के अध्ययन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला मैं इसका आपको उपयोग और बताऊं तो उपयोग याद रखना, मैंने अभी आपको एक जीवाणु भोजी का नाम लिखा था, तो यह क्या करता है कि जीवाणु भोजी को नष्ट करता है, जीवाणु भोजी वायरस, जीवाणु भोजी वायरस जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरा इसका लाभ जो होता है वो लिखो। देखो जो आपने कभी नाम सुना होगा नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये क्या करता है कि जिस पानी के अंदर ये नील हरित शैवाल पाई जाती है इनको नष्ट करने का कार्य ये भी करता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर पानी के अंदर शैवाल उत्पन्न हो जाती है तो पानी दूषित ज़्यादा हो जाता है, यानी एक सबसे अच्छा पॉइंट ये भी लिख लो कि पानी को दूषित होने से भी बचाता है, पानी को दूषित होने से बचाता है, दूषित होने से, दूषित होने से बचाता है। सभी को समझ में आएंगे पॉइंट, तीनों के तीनों जो मैंने तीन पॉइंट लिखे हैं तीनों के तीनों आप सभी को समझ में आए होंगे, ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। देखो अगला जो इसके लाभ है, लाभ सॉरी हानियाँ हैं, हानियों के अंदर अपने लिखते हैं कि जो हानियाँ होती है उसकी ये है कि सबसे पहले तो ये तंबाकू के अंदर TMV यानी टोम्बेक तंबाकू मोजेक वायरस, ये तंबाकू के पौधों को नुकसान पहुंचाता है, ये एक रोग हो गया। दूसरा रोग आप और याद कर लेना, पोटेटो मोजेक मोजेक वायरस, ये क्या करता है कि जो आप
अपने आलू होता है उस आलू को संक्रमित करता है। तीसरा लिख लो कि मानव में भी बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है, मानव में भी रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है, लिख लोगे आप सभी। ये देखो एकदम मैंने इसके लाभ और हानियां लिख दिए। अब लाभ और हानियों के बाद में अपन चर्चा करते हैं, इसके अंदर जुड़े रहो आप सभी, इसके अंदर अपन चर्चा करते हैं इस मानव में होने वाले रोग। एकदम ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको कि ट्रिक क्या है। देखो ट्रिक वैसे काम ज़्यादा नहीं करती है क्योंकि आप लोग ट्रिकों से कितना क्या रटोगे, लेकिन एकदम जब एग्जाम में जब अपना माथा चलता हो और उस टाइम पे जब अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन उसका आंसर नहीं आ रहा हो तब ये ट्रिक के काम करती है कि ट्रिक के द्वारा अपन बता सकते हैं कि कौन से के अंदर कैसा क्या होता है। देखो मानव के अंदर रोग उत्पन्न करने, मानव में रोग, वायरस जनित रोग, कौन सा? वायरस जनित रोग। देखो बच्चों वायरस जनित रोग क्या होता है, आपने कभी नाम सुना होगा, रेविज का नाम सुना होगा, कसरा का नाम सुना होगा, सॉरी, और इसके अलावा आपने एड्स का भी नाम सुना होगा, पोलियो का भी नाम सुना होगा, इन्फ्लुएंजा का नाम सुना होगा, और मेनिनजाइटिस का नाम सुना होगा, बहुत सारे नाम सुनते हो आप। तो इन सभी नामों को आज अपन पढ़ते हैं ट्रिक के द्वारा। यानी कि देखो सबसे पहले कि ट्रिक क्या होती है, ट्रिक का मतलब है कि किस ट्रिक के द्वारा इन जीवों को अपने पढ़ते हैं कि वायरस जनित जो जो रोग होते हैं उन सभी के बारे में अपने को यहाँ देखना है। देखो साथियों सबसे बड़ी जो घातक जो बीमारी होती है अपने एड्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसका हमें कोई इलाज ही नहीं मिल पाता, वो भी वायरस जनित रोग होता है। देखो इसकी ट्रिक बताऊं तो आप लोग ट्रिक लिख लो सबसे पहले, रेखा हमें हिट करके करके इसको, देखो ये एकदम इसको इसलिए लिखते हैं जैसे पीछे नहीं लिखते क्या अपने, पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। सभी को समझ गई, पूरी की पूरी लाइन याद करो, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, रेखा हिट करके हमें, सॉरी, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। जो पीछे लिखा है उसको को एच लिखा है, आप सभी को पता होना चाहिए इसका। एकदम तीनों के तीनों रोग याद कर लेना, पोलियो, एक का मतलब है एड्स और चे का मतलब है चेतक, छे का मतलब है छोटी माता, डे का मतलब है डेंगू, और देखो गई आगे एक शब्द और लिखा है अपने, उससे पहले अपने ये देख लेते हैं रे का मतलब क्या है यहां पे, रेवीज, खा का मतलब है यहाँ पे खसरा, खसरा याद करते चलो। पोएसे का मतलब क्या है, पोलियो, एड्स, चेचक, और इसके अलावा आगे पढ़ते हैं चेचक जो है, चेचक जो है अपने चेहरे पे पुंछियाँ हो जाती है, वो अभी इसका जो टीके वगैरह बन गई ये कम्प्लीटली इनका इलाज हो चुका है, ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है अब, क्योंकि पहले इनका प्रभाव दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होता था लेकिन आजकल ये इतने नहीं रहे। देखो यहाँ पे हर्पीस हो गया, मेनिनजाइटिस, रेखा मतलब रेवीज, खा का मतलब कसरा, है का मतलब हर्पीस, मे का मतलब मेनिनजाइटिस हो गया। अब अपने पास हिट बच गया, और आपके सामने एक और होता है कोरोना का नाम सुना होगा आपने, अपन उस कोरोना को भी पढ़ते हैं। एक हिट करके को आप यहाँ पे साइलेंट कर दो, करके में ओनली कह का आप यूज कर सकते हो, कह का मतलब यहाँ पे कोरोना यूज कर लो, वैसे होता नहीं है लेकिन अब नई बीमारी उत्पन्न हो गई तो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोरोना यूज कर दिया, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे हिट बच गया और गई बच गया, आपको इनके भी मतलब पता होना चाहिए क्योंकि अपन इनके भी रोग उत्पन्न करते हैं, ये भी वायरस जनित रोग होते हैं, तो इनके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। एक होता है गलसोंद, जिनको गलसुंद भी बोलते हैं, और एक अभी मैंने आपके सामने लिखा था इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा
इन्फ्लुएंजा लिख रहे ना। अब बच गया अपने पास हिट, ओनली कौन सा बच गया साथियों, वो विराट कोहली वाला जो मारने वाला जो हिट है वो हिट बच गया है बस अपने पास, और बाकी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो ही का मतलब होता है हिपेटोटाइसिस, ये भी वायरस जनित रोग होता है साथियों। कौन सा? हिपेटोटाइसिस, ये भी एक वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इसके अलावा देखो रेखा मतलब हो गया रेबीज, खा का मतलब हो गया कसरा, है का मतलब हर्पीस, में का मतलब मेनिनजाइटिस। ये आपको दो चार रोग ऐसे हैं जो कहाँ और कहीं पर नहीं पढ़ने को मिलेंगे, और कहीं पर आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। वो एच टू का मतलब पीछे मैंने लिखा है पोलियो, एड्स, और जो चेचक बीमारी होती है अपने चेहरे पे हो जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो रोग होते हैं इनमें सबसे जो घातक होता है वो एड्स होता है। आप सभी को पता है कि जो मानव को संक्रमित करने वाला जो होता है वो एड्स होता है। इसके अलावा आपने सेटैका बच गया ट्रेकोमा, रेखा मतलब रेबीज, खा का मतलब कसरा, है का मतलब हर्पीस, और मे का मतलब हो गया मेनिनजाइटिस, ही का मतलब हिपेटोटाइसिस, और टे का मतलब ट्रेकोमा, और के यहाँ पे करके वैसे साइलेंट है लेकिन कोरोना लिख दिया अपने, पो का मतलब पोलियो, ए का एड्स हो गया, चे का मतलब चेटक हो गया, छो का मतलब छोटी माता, और डे का मतलब डेंगू है। ये यहाँ पे डेंगू जो बीमारी होती है, गे का मतलब गलसोंद हो गया, और ई का मतलब क्या हो गया इन्फ्लुएंजा हो गया। ये होने वाले जो वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनकी कम्प्लीटली जानकारी हो गई, मैंने एक ट्रिक के तौर पे आपके सामने लिख दिया, यानी कि आप अगर नीचे लिखना भी चाहते हो तो नीचे भी इनके नाम लिख सकते हो। ये वायरस जनित रोग होते हैं, एक बार आप ये ट्रिक अगर लिखना चाहते हो तो ये ट्रिक लिख सकते हो, क्योंकि ये ट्रिक बहुत काम आती है। एग्जाम में जब अपन एग्जाम देने के लिए जाते हैं तब अपन भूल जाते हैं वहाँ पर, और भूलने का मतलब है कि अगर अपन वहाँ पर भूल गए तो दिमाग से निकल जाता है। जैसे मैंने ये दे दिया कि खसरा जनित रोग है, खसरा जनित रोग है, तो तुरंत दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि खसरा जनित रोग कौन से होते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं। अब इनको विस्तार से पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिख देता हूँ। यहाँ तक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं वो नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है कि वायरस का मतलब क्या होता है, वायरस का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है। मैंने अभी बताया था जहर, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ही है, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तीसरा ये है वायरस की खोज किसने की, खोज किसने की। अगला जो क्वेश्चन है चौथा, पादप रोग उत्पन्न करने वाले वायरस में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक का मतलब समझ जाओगे आप लोग, यानी आनुवंशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन यहां पे यह भी पूछ सकता है कि जंतु रोग उत्पन्न करने वाले में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये सारा का सारा आप सेम टू सेम लिख दोगे। छठा जो क्वेश्चन है वो मैं ये लिखता हूं कि ये अपनी जनन कैसे करते हैं, यानी कि वायरस जनन कौन सी विधि से करते हैं, तो गुणन द्वारा करते हैं। जनन कैसे करते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को मैंने नोट करवा दिया, गुणन द्वारा ये अपना जनन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये, यहाँ से ये पूछा जा सकता है आपको कि मानव में रोग फैलाने वाले वायरस कौन से हैं, निम्नलिखित में से कौन से रोग हैं। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जैसे ये लिख दिया कि मानव में उत्पन्न करने वाले रोग। अब देखो यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जो मैंने अभी कम्प्लीटली आपको नाम लिखा है उन कम्प्लीट नामों से एक नाम उनमें दे देगा, तीन नाम अदर्स का दे देगा। एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ, देखो कि जो वायरस होता है ये वैसे मोनेरो जगत के अंदर रखा जाता है, देखो मोनेरो जगत में रखा जाता है, और जो मोनेरो जगत होता है उसमें पाई जाने वाली जो कोशिका है उनमें केंद्रक भी अनुपस्थित होता है, आपको बता दूं। और यानी कि जो मोनेरा जगत है उसमें अति सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब ये मोनेरा जगत क्या है, तो देखो सबसे पहले अपन ने पांच, विक्टेकर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको पांच भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, यानी कि जो
पादप जगत होता है उसको पादप जगत में रखा गया था, एनिमेलिया जिसके अंदर जंतु होते हैं एनिमेलिया जगत में रखा गया था, और फंजाई है उसमें कंप्लीटली फंजाइयों को रखा गया था। एक था प्रोटिस्टा और एक था मोनेरा, दोनों के दोनों सूक्ष्म जीवों की भांति होते हैं और इनसे दोनों से अपने को उत्पन्न रोग पड़ने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो चीज़ तो जो वायरस होता है वो मोनेरा जगत का ही होता है, और वैसे इसको सजीव और निर्जीव दोनों की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि पता नहीं ये किसकी तरह काम करता है। एक वायरोइड हो रहा होता है, आपको नाम सुन लो वायरोइड, ये क्या करता है कि इसके डीएनए का डीएनए जो अपना आनुवंशिक पदार्थ था वायरस, इसके ऊपर एक प्रोटीन आवरण तो उपस्थित था। वायरोइड होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ भी उपस्थित नहीं होता है। तो अपन पढ़ते हैं अगली क्लास में वायरस द्वारा होने वाले जो रोग हैं उनमें एक एक रोग को अब डिटेल से पढ़ेंगे फुल डिटेल के साथ, और रोज की रोज हर क्लास के बाद में मैं कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा जो रोज की क्लास से बनने वाले क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को याद करके चले आप, साथ साथ याद करते चलो, इन क्वेश्चनों के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कंप्लीटली डिटेल के साथ बाद में आपको क्वेश्चन और दूंगा और उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में बताओगे। अगली क्लास शुरू होने से पहले मैं इन सभी के आंसर आप सभी को बता दूंगा, वैसे नोट्स में बेसिकली बता दिया है मैंने ये। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।